सोच ये है कि मैं पढ़ाई करके मुझे एसी का कमरा चाहिए और शानदार कुर्सी चाहिए, तो आप ये बात याद रख लीजिए कि आप जालिम के समाज से ताल्लुक रखते हैं। और वो छात्र जो कि सोचते हैं कि मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं समाज के लिए लड़ूं और मजलूम की आवाज बनूं, तो समझ लीजिए वो हमारे समाज से ताल्लुक रखते हैं। छात्र एकता जिंदाबाद। साथियों, ये शोकॉज नोटिस सिर्फ इन 5 लोगों को नहीं मिला, बल्कि ये शोकॉज नोटिस हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी के हर उस बच्चे को मिला है जो कि समाज के लिए लड़ना चाहता है, उनकी आवाजों को दबाने के लिए, उनकी आवाजों को ये भगवा रंग में रंगने के लिए ये शोकॉज नोटिस दिया गया है। बहुत बढ़िया। मौलाना मोहम्मद अली जोहर को जानते होंगे, जिनकी कब्र फिलिस्तीन के अंदर बैतुल मक़दस में है। आज उसी फिलिस्तीन के अंदर जो इसराइल जुल्म कर रहा है, और हमारे बानी मौलाना मोहम्मद अली जोहर की कब्र वहां पर हो, हमारे बानी की मोहब्बत फिलिस्तीन से हो, तो हम किस तरीके से इसराइल प्रेमियों को अपना सकते हैं। साथियों, आपको कल भी मैंने एक बात कही थी, ये जामिया का लोकतंत्र अधिकार जो है, हमारे बोलने का अधिकार जो है, उसका जनाजा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ, आप सब मिलकर अगर एक हो गए तो इन जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत और इनका जमीर का जनाजा जरूर निकाल। बहुत बढ़िया।